दार्जिलिंग। नाम सुनते ही माइंड में जो सबसे पहली चीज़ें आने लगती है वो है यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का व्यू और दार्जिलिंग टी गार्डन को हम कैसे भूल सकते हैं, साथ ही कंचनजंगा की ऊंची ऊंची चोटियों का जो व्यू है भाई। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, यहाँ बाइक राइडिंग के जो मज़े हैं भाई, वो तो दार्जिलिंग जाके ही आप फील कर सकते हो। सेम यही चीज़ें मेरे माइंड में थी और बस क्या था, मौके की तलाश थी और फाइनली हमें आज वो मौका मिल गया और हम निकल पड़े तब दार्जिलिंग की राइड पे। सो दार्जिलिंग की ये राइड हमारी स्टार्ट हुई पूर्णिया से, जो कि हमारा होम टाउन भी है। तो सबसे पहले मैंने पिकअप किया अपने फ्रेंड को, जो कि मेरे तरह ही घूमने का शौकीन है। तो सबसे पहले हमने पूर्णिया को बाईपास किया, फिर हम चुके थे गुलाब बाग जीरो माइल। यहाँ से आपको 4 रूट्स अलग अलग डायरेक्शन के लिए निकलती हैं। सीधा चले जाओ तो अररिया फारबिसगंज, और उधर से आप नेपाल में एंट्री ले सकते हैं। राइट लेके तलकोला होते हुए आप सिलीगुड़ी जा सकते हैं। हालांकि अभी का जो बेस्ट रूट है सिलीगुड़ी जाने के लिए, वो मैं बोलूँगा आप अररिया होके निकलो, वो एक नंबर रूट है। अभी हम लोग जिस रूट से जा रहे हैं, यह रूट लगभग दालकोला तक रोड बहुत ख़राब हो चुका है। फोर व्हीलर चलाने के लिए तो भाई मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस रूट से जाओ। तो हम अपना पहला ट्रॉल क्रॉस करने ही वाले थे कि हमारा सामना हुआ बारिश से, और इस बारिश ने भाई हमारा 1-1.5 घंटा तो आराम से ले लिया। तो यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे बाईसी, और वहाँ हमारा सामना हुआ इस राइड के पहले एक्सीडेंट से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो चुका है। तो निकलते हैं हम लोग आगे यहाँ से। सो यहाँ से निकलने के बाद हमने क्रॉस किया ढंगरा ब्रिज, जो कि दालकोला से जस्ट पहले ही आता है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद फिर हमने क्रॉस किया दालकोला चेक पोस्ट, और हमने एंट्री ली दालकोला में। सो दालकोला से लगभग दार्जिलिंग का जो डिस्टेंस था वो 190 किलोमीटर था। सो रोड थोड़ी बहुत अच्छी दिखी हमें, तो हमने अपनी बाइक भगाने का सोचा। हम अभी क्रॉस कर रहे हैं इस राइड का तीसरा टॉल। इस टॉल को क्रॉस करने के बाद कुछ दूरी के बाद इस्लामपुर आने वाला है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस्लामपुर, और यहां से सिलीगुड़ी के लिए मस्त 4 लेन बनी हुई थी। तो भाई 4 लेन का पूरा फायदा हमने उठाया, मस्त गाड़ी अपनी भगाई। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि भाई हमारा सामना हो गया आज के दूसरे एक्सीडेंट से। हालांकि यहाँ पे हमें ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पुलिस के द्वारा हमें इशारा किया जाता है कि आप राइट साइड से सीधा आगे चले जा और आगे जाके आप लेफ्ट टर्न लेना। सो फिर क्या था, इशारा मिलते ही हमने अपनी बाइक घुमाई और हम निकल गए आगे। I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young.
still finishing one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from. So is four lane ko cross करने के बाद फ्यूल इंडिकेटर वो हमारा लो बताने लगा, तो हमने सोचा भाई दार्जिलिंग जाने से पहले ही हम फ्यूल ले लेते हैं, क्या पता पहाड़ों में दिक्कत हो जाए। इससे अच्छा है भाई अपना सेफ्टी पहले देखो। तो फिर हमने यहाँ पे फ्यूल लिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही भाई टी गार्डन का व्यू, ओ भाई यहाँ से आप देख सकते हो इतनी दूर तक का जो हमारा राइड का थकान था भाई, वो इस व्यू को देखने के बाद कुछ हद तक तो कम हो ही चुका था। हालांकि हमें पता था कि आगे इससे भी अच्छे व्यू मिलने वाले हैं। फिर हमने यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लिया, कुछ फ़ोटो शूट करवाई और फिर कैमरे को डाला टाइम लैप्स मोड पे और सीधा पहुँच गए सिलीगुड़ी। तो सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद भाई यहाँ ट्रैफिक थी, एकदम हेवी वाली ट्रैफिक, वो भी दार्जिलिंग मोड़ तक मिलने वाली थी। सो डिसाइड किया मैंने कि आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब कर देना। अगला जो वीडियो आने वाला है वो दार्जिलिंग मोड़ से सीधा दार्जिलिंग तक का होने वाला है, और भाई वो वीडियो आप देखना ना भूलें।